ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सुजानपुर की गौशाला खेरी में गौ माता के उपलक्ष्य पर 18 मार्च से 24 मार्च तक भगवत कथा और यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। महाराजा विवेक शर्मा ने बताया कि गौ माता का औचित्य हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है और गौ माता की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि लोगों से अपील है कि जितना हो सके इस यज्ञ में अपना सहयोग दें। ये महाराज जी 18 मार्च 2020 से 24 मार्च 2020 तक रहेगा और ये गौ माता के उपलक्ष्य में हर वर्ष ये यज्ञ किया जाता है। और मैं जहाँ तक समझता हूँ वहाँ तक यही लोगों से निवेदन रहेगा समस्त क्षेत्र से कि हमारे जीवन में जो गाय का औचित्य है वो बहुत बड़ा है और गौ की रक्षा करना हम लोगों का प्रथम कर्तव्य है। जो आज हम सब लोग देख ही रहे गाय की क्या दशा हो चुकी है, तो अब वो गौशाला भी इतने ज़्यादा प्रगति पर नहीं है, इसलिए नहीं है कि वहाँ पर कुछ सरकार का भी इतना सहयोग नहीं है, वहाँ के जो लोकल क्षेत्र के जो लोग हैं उनके सहयोग से वो चल रही है। तो मैं सबसे निवेदन यही करूँगा कि जितना ज़्यादा सहयोग हो सके इस गौ माता के इस गौशाला में, गौ माता के उपलक्ष्य में जो ये यज्ञ रचा जा रहा है, इस यज्ञ में हमारा हर जगह यही रहता है कि गौ माता की सेवा करो, गौ माता की रक्षा करो, क्योंकि आज गौ की दशा बड़ी दीन हो चुकी है। तो सबसे निवेदन यही है कि गौ माता की रक्षा के लिए, हमें भी कई लोग बोलते हैं कि महाराज आप कथा का क्या वहाँ क्या पैसा लेंगे, तो हम तो बड़े सौभाग्यशाली रहते हैं जहाँ का कथा गाय के पंडाल में हो रही है, तो वहाँ से तो हम एक रुपया भी दक्षिणा नहीं लेंगे, बल्कि जो हो सके अपनी जेब से हम और वहाँ पे दान करने की कृपा करेंगे। और आप सबसे भी निवेदन रहेगा जहाँ जहाँ तक भी ये कोई सुनेगा तो कृपा करके जितना सहयोग हो सके गौ माता के नाम से जरूर करिएगा। श्री राधे, जय गौ माता।